मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हैं आप? मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं क्या करूंगी आपके बगैर? आपके सिवा मेरा कोई नहीं अम्मी, कहाँ चली गई मुझे छोड़? इनसे कौन मुझसे बात करे? ये मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रही? इनसे इनसे कौन मुझसे बात करे? मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। अम्मी अम्मी मेरी बात सुने, मेरी बात का जवाब दे, मुझसे गलती होगी। अम्मी मेरी बात सुने, अम्मी अम्मी कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी इनके बगैर? मैं नहीं कह सकती अम्मी, मुझे जाने चाहिए, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे आपके बगैर नहीं रहना। अम्मी 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 मुझे अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जा रहे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, नहीं नहीं अंदर नहीं, को नहीं, अम्मी को कोई कहीं नहीं लेके जाएगा। अम्मी मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मैं भी अम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मी प्लीज छोड़ दे, ऐसे नहीं, प्लीज नहीं, अम्मी अम्मी छोड़ो मुझे। आपके जनाजे पर भी ऐसी ही कयामत बरपा हुई होगी अम्मी, सब थे आपके पास, लेकिन आपकी बेटी नहीं थी जो आपके सरहाने बैठकर रो ना सके। आपको रोकने वाली बेटी पता नहीं कितना दूर थी आपसे। क्यों हुआ आपके साथ ऐसा? क्यों हुआ अम्मी? क्यों? अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता करे। आमीन। बेटा तुम उमर के लिए परेशान ना होना, मैं उसे समझा दूंगी। चले बाबा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बताया तो था दादी, मामा के पास जा रहा हूँ। बेटा आपने मुझे बताया था ना, अपनी सुंदर साथी को और खुरम भाई को तो नहीं बताया? तो आप उन्हें बता दीजिएगा। मैंने बताया, उन्हें नाराज हो रहे थे, कह रहे थे सारा प्लान तो हमने उमर के लिए किया है, अगर वो नहीं आ रहा तो आप भी ना आए। ये क्या बात हुई? वो मेरे ख्याल में फुटबॉल मैच खेलना था उन्होंने तुम्हारे साथ, अब तुम नहीं जा रहे तो हो सकता है कि उन्हें ये बात बुरी लगी हो, इसलिए कह दी होगी। फिर तो मुझे जाना पड़ेगा। वही तो। ठीक है बाबा आप जाए, मैं मामा को कॉल करके बता दूंगा कि मैं नहीं आ रही। चलो ठीक, तुम जाने की तैयारी करो, मैं रास्ते से मामा को कॉल करके बता दूंगा। ठीक है? ठीक है बाबा। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज बाबा। हम लोग सुंदर साहब के घर कब जा रहे हैं? बेटा जब वो आएंगे ना तो हम उनके साथ चले जाएंगे। यहाँ मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने थोड़े से दिनों में मेरे दिल के इतने करीब हो जाओगे। अरे क्या हुआ? खुर्रम भाई तो अपार्टमेंट में रहते हैं ना। हाँ तो हम लोग वहाँ पे फुटबॉल कैसे खेलेंगे? अरे वो कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। नहीं जब खुर्रम भाई लोग यहाँ पे आएंगे ना तो हम लोग उन्हें यहीं पे रोक लेंगे। चलो ठीक है। खुश यारा बेटा। जो गलती हमसे हुई और जो भी उनसे हुई, अल्लाह पाक वो सब माफ कर दे। आमीन। अल्लाह पाक आंटी की मगफरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन।
गुल कहाँ है? पता नहीं, ऐसे ही अपने कमरे में खामोश गुमसुम सी बैठी है। कुछ खाया उसने? किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। आपके लिए कुछ खाने में लेके आऊं? नहीं, साकिब और हसन आएंगे तो उनको जरूर खाना खिला देना, क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। जी। गुल कहाँ है? अपने कमरे में होगी। बहुत बुरी हालत हो रही थी बेचारी की, बहुत रोई चीखी चिल्लाई और अब खामोश होकर बैठ गई है। ना सर, तुम्हें गुल के पास जाना चाहिए। हसन, इस वक्त गुल को तुम्हारी जरूरत है। तुम जाओ उसके पास, तसल्ली दो उसे, जो हुआ उसे भूल जाओ। हसन, वो बीवी है तुम्हारी और इस वक्त उसने अपनी मां खोई है। कयामत टूटी है उस पर और एक तुम ही हो जो उसको इस दर्द से निकाल सकते हो। जाओ उसके पास। साकिब ठीक कह रहा है हसन, एक तुम ही हो जो उसे संभाल सकते हो। अगर तुम भी वैसे ही करोगे जैसा उसने किया तो फिर तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? जाओ मेरे भाई, जाओ उसके पास। यकीन नहीं आता कि कल तक जो हमारे साथ थी आज हम में नहीं है। अल्लाह पाक गुलरुख को सब्र दे। आमीन आमीन आमीन। इंतकाल हुआ था ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया,
लग रहा था जिंदगी रुक जाएगी, काम के सिलसिले बंद हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं था। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रही, सब्र भी आ गया। मैं जानता हूं ये वक्त बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुजर जाता है। अल्लाह पाक तुम्हें भी सब्र दे। आंटी की मगफिरत की दुआ करो बस, ताकि उनके आगे का सफर आसान हो। चलो उठो, हाथ धो लो, खाना लेकर आता हूं, दोनों साथ खाएंगे। कुल मैं क्या कह रहा हूं, खाना खा लो। नहीं खाना। कोई मेरे साथ धोने वाले खा लो प्लीज। अम्मी ने भी धोने वाले खाए थे। क्या क्या मिला है इस खाने में? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे हाल पे। कोई इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हो तुम। अमगुल खाने में जहर तो मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए मिलाया था, लेकिन इसे तुम्हारी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। क्या हो गया, क्या बोल रही है? उसने मेरी माँ की जान ली है ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसने मेरी माँ को मार दी है, अम्मी को मार दिया उसने। क्या बातें कर रही, किसने मारा अम्मी को? आप ही ने मार दिया अम्मी को। बोल ऐसा कुछ नहीं, आप ही ने कुछ नहीं किया। आपने सुना नहीं, सुना नहीं आपने? आकर क्या कर गई वो? कौन कौन क्या कर गया? कोई नहीं है, अभी काफी देर से नहीं आई यहाँ। मेरी माँ को मनो मट्टी तले दबाकर कैसे सुकून से जी सकती है वो? गुल तुम होश में नहीं हो, तुम यहीं बैठो। तुम अपने होश में नहीं हो। छोड़े, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम अपने होश में नहीं हो, बैठो यहाँ। उसने मेरी माँ को मारा। गुल बैठो, गुल। मैं खाना लगा दूँ? नहीं, एक बार हसन आ जाए उसके साथ ही खाऊंगा। छोड़े मुझे। गुल मेरी बात सुनो। छोड़े मुझे। क्या हुआ? तुमने मारा है ना मेरी माँ को? क्या कह रही हो गुल? इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्ही ने कहा था ना अम्मी को खाना खिलाओ। हाँ तो वो तुमसे नाराज थी तो मैंने कहा उन्हें मनाओ, खाना खिलाओ, उसमें क्या बुरा किया मैंने? क्या मिलाया था? जहर मिलाया था ना, तुमने यही कहा था ना मुझसे? तुम पागल हो गई हो? अपने होश हवास में तो हो? अगर मैं जहर मिलाऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी कि मैंने जहर मिलाया है। गुल तुम वाकई इस वक्त अपने होश हवास में नहीं, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो और अपनी माँ के लिए दुआ करो। इस औरत ने मेरी माँ को जहर देके मारा है। झूठी मक्कार बदफितरत औरत है ये। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? खामोश हो जाओ गुल, अपनी बकवास बंद करो। ये मेरी माँ की कातिल है। हम दोनों माँ बेटी को मार देना चाहती थी, एक दिन मुझे भी मार देगी, देख लेना आप लोग। बस बहुत हो गई, हर मौके पर मुझ पर ही इल्जाम लगाया जाता है। हाँ बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा, अब नहीं करूंगी मैं। इतनी बड़ी बात जो कुछ सोच भी नहीं सका तुमने कह कैसे दी? अभी प्लीज आप तो वक्त और मौके का लिहाज करें। ये लिहाज कर रही है? देखा नहीं किस तरह खड़ी हो गई मेरे आगे आकर? सिर्फ खड़ी नहीं हूँ, जवाब चाहिए मुझे तुमसे, जवाब। बोलो क्यों मारा था मेरी माँ को, बोलो। हसन प्लीज इसको यहाँ से लेकर चलो। रहने दो साकिब, बोलने दो से, इसके दिलो दिमाग में जितना खन्नास भरा है निकाल देने दो से। चलो चलो। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे हसन, छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़े मुझे, जवाब दो मुझे। मैं तो तुमसे
देख रहे हो साकिब इसे? देख रहे हो तुम? अभी वो इस वक्त अपने होश और हवास में नहीं है, जाने दे उसे। मुझे बात तो कर लेने देते उससे। अगर वो पागल हो रही है तो आपको अपना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? छोड़ो मुझे, मैं उसका खून पी जाऊंगी। छोड़ो मुझे, कह रही हूं मैं, छोड़ो। तुम्हारी बहन ने मेरी माँ की बेदर्दी से जान ली है। चिल्लाओ मत कुल। क्यों ना चिल्लाओ, तुम्हारी बहन ने मारा है मेरी माँ को। कुल बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दिल छुई की। मुझे हौसला देकर जो आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, आज के बाद मैं आपको अपना बड़ा भाई समझूंगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हद हो गई है, इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन दोनों माँ बेटी का झगड़ा हम सबके सामने हुआ था। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहती रही, एक दूसरे की जान की दुश्मन हुई हुई थी उस वक्त। मुझे तो यकीन है कि आंटी ने गुरु की वजह से ही खुदकुशी की है और अब वो इसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। और हैरत की बात यह है कि इतनी दुख और तकलीफ के बावजूद वो मुझसे नफरत कर रही है, मुझ पे गुस्से हो रही है। मुझसे ये तकलीफ और अजियत अब बर्दाश्त नहीं होती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं गुल को छोड़ दूंगा। इस वक्त ऐसी बातें मत करो हसन, उसकी माँ इस दुनिया से गई है और ये सदमा कोई छोटा सदमा नहीं होता। संभल जाएगी, थोड़ा वक्त दो उसे। साकिब ठीक कह रहे हैं हसन। नहीं अभी, आपसे तो पता नहीं वो किस जन्म की दुश्मनी का बदला ले रही है। एक आप है, अब भी उसकी हिमायत करिए आप। उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, बुरा भला कहा, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन हसन इस वक्त उसका दुख हम सबकी तकलीफ से कहीं ज्यादा है। माँ का साया उठा है उसके सर पे से, असियत में है वो। उसकी बातों को दिल पर मत लो, अकेली रह गई है वो। माँ का साया उसके सर पर से उठ चुका है, कोई सहारा कोई आसरा नहीं है उसके पास सिवाय तुम्हारे। इस वक्त अगर तुम भी उसे छोड़ दोगे तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जब जहांगीर ने मुझे छोड़ा था उस वक्त तुम लोग थे मेरे साथ, अम्मी थी, मैं बेसहारा नहीं थी। लेकिन जब एक मर्द एक औरत को छोड़ता है तो जो अजियत उसे उठानी पड़ती है वो मैं समझ सकती हूं। उसके लिए अपने दिल में महल मत रखो, वो करेगी कुछ दिन तक ऐसा, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी उसकी ये बातें और हरकतें, वक्त के साथ संभल जाएगी, समझ जाएगी। बहुत बड़ा दिल है आपका अभी। क्यों अकल की अंधी हो रही हो? तुम्हें मैंने इतना समझाया है लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज़ ही नहीं आ रही।
तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं? देखो, उसके साथ जाकर बैठूं, उससे प्यार से बात करूं। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसकी दुखती रग पर ऐसे हाथ रखो कि उसकी चीख निकल जाए। इतनी बेवकूफ थी मैं, तुम्हारी बातों को समझ ही नहीं सकी हूं, लेकिन अब समझ आ गई है मुझे। अब इस गौहर के पैरों में बैठकर उसके पैरों से जमीन खींच लूंगी मैं। अब शाम नीचे शहनाज को कह दो मेरा नाश्ता तैयार कर दे। साकिब, नीचे दिलावर भाई आए। तो वो गौहर आपी ने मना किया था कि मैं उनके सामने ना हूं, उनसे कोई भी बात ना करूं। क्यों? वो आप ही चाहती हैं कि मैं किसी गैर मर्द के सामने ना हूं। अच्छी बात है, अगर आप ही ऐसा चाहती हैं तो तुम भी एहतियात करो। मैं खुद ही शनास को नाश्ते का बोल देता हूँ। अल्लाह हाफिज। नाश्ता किया आपने? बस अभी पहुंचा हूं और सीधा तुम्हारी तरफ आ गया। मैं लगवाती हूं नाश्ता। शहनाज, शहनाज जी, बेगम साहिबा जी, हमारे लिए नाश्ता लगाओ और सुनो, पराठे जरूर बनाना। ठीक है बेगम साहिबा, और कुछ? नहीं नहीं, बस जल्दी से नाश्ता लगा दो। क्या बात है, आज घर में खामोशी क्यों? साकिब और हसन अपने अपने कमरों में हैं, तैयार हो रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी घर की औरतें गैर मर्दों के सामने नहीं है, तो तुमने तो अपनी भाभियों को मेरे सामने आने से मना कर दिया होगा। असल में वो नईमा आंटी की डेथ हो गई। अचानक से क्या हो गया? बस अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। चलिए। इस बात का अफसोस तो मुझे तुम्हारी भाभी से करना पड़ेगा। वो बेचारी तो हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती है, बाहर निकलती ही नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अफसोस हुआ आंटी का, बहुत दुख हुआ। जी, अभी बहुत जल्दी चली गई मुझे छोड़कर। हौसला रखो, उनकी मगफरत के लिए दुआ करो, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करो, और तुम खुद को अकेले हरगिज मत समझ। गौहर, उसके भाई, मैं, हम सब तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल छुए की। मुझे हौसला देकर जो आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, के बाद मैं आपको अपना बड़ा भाई समझूंगी। हम ऐसे ही किसी से रिश्ता नहीं बनाते, जब बना लेते हैं तो
मरते दम तक निभाते। जबकि तुमने मुझे भाई कहा है तो ये फर्ज मैं मरते दम तक निभाऊंगा। दिलावर अभी आए हैं, अभी उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। मैंने शहनाज को बोला है, वो नाश्ता बना रही है, जाओ जाकर उसकी हेल्प करो। और वैसे भी तुम भी भूखी होगी ना, जाओ जाके जल्दी से नाश्ता लगवाओ। जाओ शाबाश। जी हाँ, जी हाँ। क्या जरूरत थी उससे रिश्ते बनाने की और निभाने की बातें करने की? मैं पत्थर दिल जरूर हूं, मगर एक बेबस और मशगूल लड़की की ऐसे वक्त में दिलजोई करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। साकिब और हसन है ना, हम सब कर रहे हैं उसकी दिलजोई। बस जितनी हमदर्दी करनी थी कर ली, आज के बाद इस टॉपिक पर उससे कोई बात नहीं करनी। इर्द गिर्द कितने ही लोग होंगे और माँ की मौत के बाद अकेले रह जाने का एहसास मुझे भी हुआ था, और शायद सबको होता। इस मासूम को सबसे पहला दुख तो मेरी तरफ से मिला था, और दूसरा इतना बड़ा दुख कुदरत ने दे दिया। और मैं तो यही कहूंगा कि ख्याल रखा करो उसका, और मेरी हमदर्दी का बुरा मनाने या एतराज करने की कोई जरूरत नहीं। आखिर हमारी भाई की बीवी तो है। गुल मुझे नीचा दिखाने के लिए इससे बात करती है, और इसकी हमदर्दियां ये खत्म ही नहीं हो रही। कोहर, मेरी बात समझ तो रही हो ना? हाँ हाँ। पहले हसन और फिर अम्मी को पाली, कोई गौहर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। दिलावर की वजह से गौहर भी बहुत मजबूत हो गई है। आज दिलावर ने बहन बनाकर मेरे सर पर जो हाथ रखा है ना, अब देखना गौहर बेगम दिलावर को तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करती है। जहांगीर भाई, अब ये इस फाइल क्या देख लें एक नजर आप भी। एक मर्तबा चेक कर लेना फाइनल सबमिट करने से पहले, आप भी देख लेना कोई गलती ना हो बीच में। उमर के तो उठने का कोई मूड नहीं है, वो बहुत मजे से सो रहा है। सोने दो बेटा उसे, पूरी रात खेलता जो रहा है, बातें करता रहा है। लेकिन मुझे मिलना था उमर से, गुड बाय बोलना था। क्या प्लान है तुम लोगों का? बस जहांगीर भाई यहाँ से सीधा एम्बेसी जाएंगे फिर घर। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम डैड। What? Oh God! क्या हुआ मॉम को? अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। जी जी, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ?
माम को हॉस्पिटलाइज किया गया है, उनकी दोनों किडनीज फेल हो गई हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। अल्लाह खैर करे। So sorry to hear that. बिल्कुल फिक्र नहीं करें, माम को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप जाने की तैयारी करें, आपका होना वहाँ बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तुम जाने की तैयारी करो। खुर्रम, मुझे बताओ मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? जहांगीर भाई, अपनी अमानत आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। मॉम के ट्रीटमेंट के बाद मैं इसे ले जाऊंगा अपने साथ। तुम बेफिक्र होकर जाओ, ख्याल करो उनका। ये पेपर सबमिट करा देना। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, पैकिंग में हेल्प करा। दो से तीन चीजें उठाकर मैं चला जाऊंगा। अब तुम्हारे पास घर की चाबी है ना? जी। आंटी, आपकी दुआओं की शदीद जरूरत है। बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम फिक्र ना करो। इंशाल्लाह तुम्हारी अम्मी जल्द ठीक होकर घर आ जाएंगी, बस तुम जाने की तैयारी करो मेरा बेटा। जी जहांगीर भाई, इजाजत चाहूंगा। बताते रहना फिर। जी जी, अल्लाह हाफिज। इजाज़ का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। आमीन। तुम्हारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम किया था ना तुम लोगों ने, क्या मिल गया था तुम लोगों को? ये कैसे पता आपको? ऐसी कौन सी बात है जो दिलावर अली शाह को नहीं पता? हाँ मिल गया था क्लेम। तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। वो मैं पी चुका। आइंदा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो फौरन मुझे बता दे, चुटकी बजाते ही हल करा दूंगा। क्या मतलब? ये मैटर आपने सॉल्व किया था हमारा? दरअसल गौहर, तुम दोनों भाइयों की वजह से इतनी परेशान थी कि मैं ला ताल्लुक कैसे रह सकता था। आप ही, आपने इनको क्यों जहमत दी? ये हमारा मैटर था, हम किसी भी तरह सॉल्व कर लेते थे। हसन, तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों के चेहरे पे परेशानी नहीं देख सकती, और उस वक्त तुम लोगों का जो हाल था उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे लगता है कि अब तक तुम लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मगर गौहर की वजह से अब तुम लोगों से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। किसी भी मामले में कोई भी इस घर के किसी भी फर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, और ना ही कुछ बिगाड़ सकता। अरे गुल, जी दिलावर भाई। भाई तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया हमारे साथ? मैं बाद में कर लूंगी दिलावर भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सब ने नाश्ता कर लिया हो और हमारी बहन ने ना किया हो? जाओ जल्दी से नाश्ता करो। जी।
यहाँ तो तुम्हारे ऑफिस में सब काम सही चल रहा है? सब ठीक है। दिलावर के जाने के बाद इसके सारे ड्रामे इसके मुंह पर मारूंगी।